दोस्तों, यदि आप भी संजू सैमसन को एक खौफनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम का कप्तान बनते ही संजू सैमसन ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मुंबई इंडियंस में खेलने वाले खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुस्से में आकर पूरी की पूरी बीसीसीआई के खिलाफ जाकर अपनी टीम में कई ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिन्हें देखकर बीसीसीआई से लेकर हर एक प्रशंसक दंग रह गया। तो आखिरकार किसे किया संजू सैमसन ने अपनी टीम में शामिल और किसे दिखाया बाहर का रास्ता, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब से बीसीसीआई ने आगामी दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है, तब संजू सैमसन के चाहने वालों में ऐसा आक्रोश देखने को मिला जिसकी लपटें बीसीसीआई तक चली गई हैं। फैंस को सांत्वना देने के लिए बीसीसीआई ने संजू सैमसन को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले वनडे श्रृंखला के लिए टीम इंडिया यानी कि इंडिया ए का कप्तान घोषित कर दिया। संजू सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को कप्तानी संभालते हैं और उन्हें एक बेहतरीन कप्तान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कैप्टन बनते ही संजू फ्रंट से अपनी टीम को लीड करते हैं। इसी के मद्देनजर सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस श्रृंखला का पहला मुकाबला 22 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाना है। ये श्रृंखला युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए बहुत ही अहम है। ऐसे में संजू सैमसन इस बेहद अहम मुकाबले के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। संजू सैमसन ने ओपनिंग के लिए चेन्नई के धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भविष्य के सचिन तेंदुलकर के रूप में देखे जाने वाले पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में शामिल किया। सबसे अहम नंबर 3 की पोजीशन पर पारी को एंकर करने के लिए संजू सैमसन ने अपने आप पर भरोसा जताया है। वहीं नंबर 3 में बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो संजू ने इसके लिए लगातार भारतीय चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किए जा रहे राहुल त्रिपाठी पर भरोसा जताया है, जिनका साथ रजत पाटीदार देने वाले हैं। वहीं अपनी टीम में बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन ने केएस भारत को शामिल किया है। ऑलराउंडर की भूमिका में संजू सैमसन ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाने वाले लॉर्ड शार्दुल ठाकुर पर भरोसा जताया है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी एक समय पर युजवेंद्र चहल के सबसे भरोसेमंद साथी रहे कुलदीप यादव पर रहने वाली है, जिनका साथ आईपीएल में अपनी फिरकी के जाल में महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एबी डिविलियर्स को फंसाने वाले राहुल चहर निभाते हुए नजर आने वाले हैं। भारतीय पेस अटैक की जिम्मेदारी संजू सैमसन ने अपनी खौफनाक रफ्तार के लिए प्रसिद्ध उमरान मलिक के साथ साथ बाउंसर स्पेशलिस्ट नवदीप सैनी को सौंप दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस एक दिवसीय श्रृंखला में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।